थियोसॉफी एक ऐसा सीक्रेट मूवमेंट जिसने ना सिर्फ महात्मा गांधी, एडगर केसी, रविंद्रनाथ टैगोर, कई पेंटर्स और राइटर्स को प्रभावित किया, बल्कि सरप्राइजिंगली साइंटिस्ट जैसे थॉमस एडिसन, विलियम क्रक्स और अल्बर्ट आइंस्टीन भी थियोसॉफी से किसी न किसी तरह से अटैच रहे हैं। इसके बावजूद आखिर क्यों इसे आज तक एक मिस्टीरियस सोसाइटी माना जाता रहा है? आखिर क्या छुपा है इन रहस्यमय आँखों के पीछे? क्या है थियोसॉफी के सिंबल का मतलब और क्या है सीक्रेट डॉक्ट्रिन, जिसके बारे में कहा जाता है कि इस बुक की इंस्पिरेशन तिब्बत में शंभाला में मौजूद एक ग्रंथ बुक ऑफ द ज्ञान से आई है, जिसे अटलांटिस में सेंजर भाषा में लिखा गया था। इस वीडियो में मैं आपको थियोसॉफी की मिस्टीरियस हाइट्स पर लेकर चलूंगा। आप बस अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए। 12 अगस्त 1831 येकटरिनोस्लाव, जो उस समय रूसी एम्पायर का हिस्सा था, वहाँ हेलेना पेत्रोवा ब्लावात्स्की का जन्म होता है। अपनी टीन एज में हेलेना वेस्टर्न एसोटेरिसिज्म, जिसे गूढ़ विद्या कहा जाता है, उसमें इंटरेस्टेड थीं। 1849 में उन्होंने यूरोप, अमेरिका और भारत समेत दुनिया भर की यात्राएँ कीं। इस टाइम के दौरान उन्होंने एक सरप्राइजिंग बात बताई कि वो एसेंडेड मास्टर्स से मिली हैं। एसेंडेड मास्टर्स ऐसे गुरु हैं जिनकी प्रेजेंस एस्ट्रल है और ये स्पिरिचुअल विजडम के जरिए ह्यूमन कॉन्शियसनेस की ग्रोथ के लिए आकाशीय गुरु के रूप में काम करते हैं, जैसे महाअवतार बाबा जी। जिन एसेंडेड मास्टर्स से हेलेना ब्लावात्स्की मिली थी, उनका नाम कूटभूमि और मास्टर मौर्या है। इन मास्टर्स का मानना था कि लोगों तक स्पिरिचुअलिटी का मैसेज पहुंचाने के लिए ब्लावात्स्की एक मीडियम हो सकती हैं। ये मास्टर्स ब्लावात्स्की को तिब्बत जाने के लिए कहते हैं, जहां ब्लावात्स्की रिलीजन, फिलॉसफी और साइंस के लिए गहरी समझ डेवलप करती हैं। आगे चल के यही हेलेना पेत्रोवा ब्लावात्स्की थियोसॉफी की स्थापना करती हैं। इसका कॉन्सेप्ट एंशियंट विजडम और नियोप्लेटनिज्म से जुड़ा हुआ है। थियोसॉफी शब्द ग्रीक शब्द थियोस मतलब ईश्वर और सोफिया मतलब ज्ञान से आया है। इसे डिवाइन नॉलेज के जैसे समझा जाता है। ये हिंदू और बौद्ध धर्म से भी काफ़ी प्रभावित है। वास्तव में थियोसॉफी कोई धर्म नहीं है, इसे अकल्टिज्म की फॉर्म में डिस्क्राइब किया जाता है। थियोसॉफी सिखाती है कि आध्यात्मिक गुरुओं के एंशियंट और सीक्रेट ग्रुप्स हैं, जिन्हें एसेंडेड मास्टर्स के नाम से जाना जाता है। ये पूरी दुनिया में मौजूद हैं, लेकिन मेनली तिब्बत में हैं। ये मास्टर्स महान ज्ञान और अलौकिक शक्तियों का विकास कर चुके हैं और थियोसॉफिस्ट मानते हैं कि इन्होंने ब्लावात्स्की के जरिए अपनी टीचिंग्स को बताने के लिए थियोसॉफिकल मूवमेंट की शुरुआत की थी। थियोसॉफिस्ट मानते हैं कि ये मास्टर्स एंशियंट सीक्रेट विजडम को रिवाइव करने का प्रयास कर रहे हैं, जो कभी दुनिया भर में जानी जाती थी। वो सिर्फ सत्य को मानते हैं और इसीलिए वो कहते हैं कि सत्य से ऊपर कोई धर्म नहीं है। यहाँ सत्य से मतलब परमात्मा से है, जिसे कॉन्शियसनेस की अल्टीमेट स्टेट एनलाइटमेंट में जाना जाता है। थियोसॉफी कहता है कि एक ही डिवाइन एब्सोल्यूट मौजूद है और इसे एक इमेनेशनिस्ट कॉस्मोलॉजी के जैसे एक्सप्लेन करता है, जिसमें ब्रह्मांड को डिवाइन एब्सोल्यूट के बाहरी रिफ्लेक्शन के रूप में देखा जाता है। मानव जीवन का उद्देश्य आध्यात्मिक मुक्ति है और मानव आत्मा शारीरिक मृत्यु के बाद कर्म के अनुसार पुनर्जन्म लेती है। थियोसॉफिकल सोसाइटी को मेनली दो लोगों ने इस्टेब्लिश किया, हेलेना ब्लावात्स्की और हेनरी स्टील ऑलकॉट ने। ब्लावात्स्की के अमेरिका आने से पहले उन्होंने स्पिरिचुअलिज्म के रहस्यों को एक्सपीरियंस किया था। इसी स्पिरिचुअलिज्म के जरिए ब्लावात्स्की और ऑलकॉट मिले थे। 1880 के दशक की शुरुआत में ब्लावात्स्की और ऑलकॉट भारत चले गए, जहां उन्होंने तमिलनाडु के अड्यार में सोसाइटी का हेडक्वार्टर बनाया। ब्लावात्स्की ने अपने विचारों को दो बुक्स में डिस्क्राइब किया, आइसिस अनवील्ड और सीक्रेट डॉक्ट्रिन, जो थियोसॉफी के ग्रंथ जैसे बन गए।
ब्लाबास्की का कहना था कि जो कुछ भी उन्होंने सीक्रेट डॉक्ट्रिन में बताया उसका आधार बुक ऑफ द ज्ञान है, जिसे उन्होंने तिब्बत में गूढ़ विद्या को सीखते समय बुक ऑफ द ज्ञान की एक पांडुलिपि में देखा था। उन्होंने दावा किया कि ये और कुछ दूसरी पांडुलिपियाँ एक सीक्रेट ब्रदरहुड के दीक्षार्थियों द्वारा सुरक्षित रखी गई थीं। ब्लाबात्स्की के अनुसार इसे सेंजर की पवित्र भाषा में लिखा गया था, जो भाषा विज्ञान के लिए अज्ञात भाषा है। थियोसोफिस्ट चार्ल्स बेबस्टर लीडविटर बुक ऑफ द ज्ञान के बारे में बताते हुए कहते हैं, इस बुक में रहस्यमय गुण मौजूद है। ऐसा लगता है कि इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि जैसे ही कोई व्यक्ति इसके पेज को अपने हाथ में लेता है तो वो अपनी आँखों के सामने उन घटनाओं के दृश्य देखता है जिन्हें दिखाने का उस बुक में इरादा है, जबकि उसी समय वो अपनी लैंग्वेज में उनका एक रिदमिक डिस्क्रिप्शन सुनता है। स्विस राइटर और हिस्ट्री चैनल पे आई एंशियंट एलियन सीरीज के प्रेजेंटर एरिच वॉन डेनिकन ने बुक ऑफ द ज्ञान का कुछ मटेरियल और इसकी हिस्ट्री का पता लगाने का दावा किया है। उन्होंने कहा है ये बुक अर्थ से भी पहले की है और सिर्फ सेलेक्टेड लोग जो बुक को छूते हैं उन्हें इसमें बताई गई चीज़ों का विजन मिलता है। कुछ थियोसोफिस्ट राइटर बताते हैं कि बुक ऑफ द ज्ञान का ओरिजिन कोई दूसरा प्लैनेट है। ओरिएंटलिस्ट विलियम एमेक कोलमैन सीक्रेट डॉक्ट्रिन के बारे में कहते हैं कि इस बुक का सोर्स विष्णु पुराण है और कुछ दूसरे राइटर्स की बुक से भी इंस्पायर्ड है। इसके अलावा कुछ वर्स ऋग्वेद के नासदीय सूक्त से लिए गए थे, जो कहता है कि तब ना तो अस्तित्व था और ना ही अस्तित्व की अनुपस्थिति। अब ये सूत्र बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके से इंक्रिप्टेड है, इसे सिर्फ अनुभव करके ही समझा जा सकता है। खैर, इस सब के बारे में मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। तब तक सीक्रेट डॉक्ट्रिन की कुछ टीचिंग्स को समझते हैं। अगर सच में आप इसे डेप्थ से समझना चाहते हैं तो इसे ध्यान से सुनिएगा। हर्मेटिसिज्म की तरह थियोसोफिस्ट एज अबव सो बिलो या लॉ ऑफ करेस्पॉन्डेंस को मानते हैं, जिसका बेसिक प्रेमाइस ये है कि यूनिवर्स में सब कुछ विद इन आउटवर्ड या हायर से लोअर की तरफ काम करता है और उसी में मैनिफेस्ट होता है, और इस तरह लोअर माइक्रोकॉजम हायर मैक्रोकॉजम की कॉपी है। जैसे एक ह्यूमन बीइंग हर एक्शन को थॉट्स की इंटरनल इम्पल्स इमोशन और विल के थ्रू एक्सपीरियंस करता है, वैसे ही मैनिफेस्टेड यूनिवर्स डिवाइन थॉट फीलिंग और विल से पैदा हुई इम्पल्स के जरिए प्रीसीड होता है। यही कई थियोसोफिस्ट के लिए एक सेंट्रल आइडिया बन जाता है। वो द एब्सोल्यूट द अननोन रूट द वन रियलिटी को सत्य मानते हैं। ये कॉजलेस और टाइमलेस है और इसीलिए अननोएबल और नॉन डिस्क्राइबेबल है। ये बीनेस है ना कि बीइंग। इस थॉट के अकॉर्डिंग मैनिफेस्टेड एग्जिस्टेंस एक कंडीशन का परिवर्तन है और इसीलिए ये ना तो क्रिएशन का रिजल्ट है और ना ही एक रैंडम इवेंट। चलिए अब आप अपने ब्रेन को थोड़ा रिलैक्स मोड में ला सकते हैं। आगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव नॉलेज है। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको भी इस तरह के मिस्टीरियस और स्पिरिचुअल वीडियोस पसंद हैं और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। ब्लाबात्स्की के आदर्शों पर बनी अड्यार की थियोसॉफी सोसाइटी बाद में एनी वेसेंट ने संभाली। थियोसॉफी मिस्टीरियस एक्सपीरियंसेस पर जोर देती है और मानती है कि एक गहरी स्पिरिचुअल रियलिटी है जिसे इंट्यूशन मेडिटेशन रेवलेशन या नॉर्मल ह्यूमन कॉन्शियसनेस के बियॉन्ड जाना जा सकता है। थियोसोफिस्ट ये भी मानते हैं कि सभी धर्मों में एक यूनिवर्सल इंटरनल टीचिंग होती है जिसे समझना जरूरी है, और इस डिवाइन नॉलेज की विजडम जान लेने से यूनिवर्स के सीक्रेट और ह्यूमैनिटी की डीपेस्ट कोर तक जाया जा सकता है। थियोसोफी में फॉलोअर्स को किसी भी रिलीजन को मानने या ना मानने की फ्रीडम है। थियोसोफिकल ग्रुप्स मानते हैं कि थियोसोफी कोई रिलीजन नहीं है, बल्कि इसे दूसरे धर्मों से जाने हुए अंतिम सत्य से रिलेटेड माना जाता है।
थियोसॉफिकल सोसाइटी का सिंबल कई सिंबल्स से मिलकर बना है, जो प्राचीन समय से यूनिवर्स के बारे में डीप स्पिरिचुअल और फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट को बताने के लिए प्रयोग किए जाते रहे हैं। आप हर सिंबल को अलग अलग रीड करने पर इसे समझ सकते हैं, और जब इन्हें कंबाइन करके देखा जाता है, जैसे कि इस सिंबल में, तो ये कई रिलीजन में अब तक जानी गई पूरे यूनिवर्स और स्पिरिचुअलिटी की विजडम को एक साथ समेटे हुए एक एवोल्यूशन को दिखाते हैं। प्रतीक के चारों ओर थियोसॉफिकल सोसाइटी की मेन थीम लिखी हुई है, देयर इज नो रिलीजन हायर देन ट्रूथ। सत्य हर थियोसॉफिस्ट की खोज होती है, चाहे उनकी आस्था जो भी हो, और हर धर्म किसी न किसी रूप में एक ही शाश्वत और आध्यात्मिक ज्ञान की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। दो इंटरलेस्ड ट्रायंगल्स के बीच में जो प्रतीक है उसे अंक या क्रक्स अंसाटा कहा जाता है। इसमें एक सर्कल और टी क्रॉस शामिल है। अंक एंशियंट मिस्र का एक सिंबल है, और ये आत्मा के पदार्थ के आवरण से उबरने, मतलब जीवन की मृत्यु पर विजय और अच्छाई की बुराई पर विजय को दर्शाता है। इंटरलेस्ड ट्रायंगल, जिसे डबल ट्रायंगल कहा जाता है, जिन्हें यहूदी कबालिस्टों के जरिए सोलोमन की सील और इंडियन ट्रेडिशन में यंत्र के रूप में भी जाना जाता है, ये त्रिकोण एक नाग से घिरे हुए हैं। त्रिकोण और घेरने वाले नाग का कॉम्बिनेशन यूनिवर्सल क्रिएशन का सिंबल है, जिसमें क्रिएशन टाइम, मैटर और स्पेस में लिमिटेड होता है। डबल ट्रायंगल अगर अलग अलग देखा जाए तो क्रिश्चियनिटी में ये फादर, सन और होली स्पिरिट के रूप में, और हिंदू धर्म में ब्रह्मा, विष्णु, महेश के रूप में डिस्क्राइब किया गया है। दो ट्रायंगल में से एक जो नीचे की ओर इशारा करता है और दूसरा जो ऊपर की ओर इशारा करता है, ये आत्मा के पदार्थ में उतरने और पदार्थ से आत्मा में चढ़ने का प्रतीक है। ट्रायंगल को घेरे हुए नाग की प्रेजेंस के अलावा नाग हमेशा से विजडम के सिंबल रहे हैं। जीजस अपने शिष्यों को नागों की तरह बुद्धिमान होने की सलाह देते थे। नेबको प्राचीन मिस्र की पौराणिक कथाओं में आदिम नाग देवता थे। थियोसॉफी में नाग का अपने ही पूंछ को निगलना कुंडलिनी की सोई हुई शक्ति का प्रतीक है। पूंछ मुंह से निकलते ही, या कहा जाए कि कुंडलिनी के जागते ही, ऊर्जा ऊपर की तरफ उठने लगती है। थियोसॉफी में स्वास्तिक का मतलब अलग है। ये नेचर की इन्फिनिट एनर्जी को शो करता है, जो लगातार सृजन और विघटन के जरिए अस्तित्व को बनाए हुए है। स्वास्तिक थर्ड डायमेंशन से जुड़ा है, जिसके जरिए क्रिएशन होता है, जैसे हिंदू धर्म में ब्रह्मा और क्रिश्चियनिटी में होली स्पिरिट। ओम सिंबल के ऊपर है, जो पूरे ब्रह्मांड की वाइब्रेशन है। थियोसॉफी में माना जाता है कि मास्टर्स अभी भी न केवल अस्तित्व में हैं, बल्कि थियोसॉफिकल ग्रंथ भी उन्हीं के विचार हैं। थियोसॉफिकल साहित्य में इन मास्टर्स को महात्मास, एडेप्ट्स, मास्टर्स ऑफ विजडम और एल्डर ब्रदर्स भी कहा जाता है। कहा जाता है कि उन्होंने बहुत लंबे जीवन काल को प्राप्त किया है और स्पिरिचुअल पावर्स भी जानी हैं, जैसे कि क्लेयरवॉयंस, और अपनी एस्ट्रल बॉडी को तुरंत अपनी बॉडी से किसी भी जगह पर पहुंचाने की क्षमता। ये शक्तियाँ उन्होंने कई सालों की आध्यात्मिक साधना से पाई हैं। मास्टर्स मानवता के विकास का मार्गदर्शन करते हैं। शुरुआती थियोसॉफिस्ट ने जिन लोगों को मास्टर्स के रूप में माना, उनमें अब्राहम, मोसेस, जीजस, गौतम बुद्ध, कन्फ्यूशियस और लाओत्से शामिल हैं। हालांकि थियोसॉफी में सबसे प्रमुख मास्टर्स कूटहूमी और मास्टर मौर्य हैं, जिनसे ब्लावात्स्की ने संपर्क में होने का दावा किया था। थियोसॉफिस्ट मानते हैं कि मास्टर्स उन लोगों को, जो एलिजिबल समझे जाते हैं, एक शिक्षा के लिए इनवाइट करते हैं, जिसके बाद उन्हें कई सालों की परीक्षा से गुजरना होता है, जिसके दौरान उन्हें पवित्र जीवन शैली रखनी होती है, जिसमें ब्रह्मचर्य बनाए रखना, संयमित रहना और मन के लिए अवेयर रहना होता है। ब्लावात्स्की कहती हैं कि दुनिया के कई धर्मों का ओरिजिन एक यूनिवर्सल एंशियंट रिलीजन से हुआ है, एक गुप्त सिद्धांत जिसे प्लेटो और हिंदू ऋषियों ने जाना था, और जो हर धर्म के केंद्र में मौजूद है। उन्होंने कहा कि प्राचीन सभ्यताओं ने विज्ञान और धर्म की यूनिटी के साथ काम किया, जो ह्यूमैनिटी अब खो चुकी है, और उनके अचीवमेंट्स और विजडम हायर लेवल पर थे।
ब्लावात्स्की ने यह भी सिखाया कि एक सीक्रेट ब्रदरहुड ने सदियों से इस एंशियंट विजडम को प्रोटेक्ट किया है और इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स मिरेकल्स रियलम्स और मेंटल इवेंट्स को समझने का ज्ञान रखते हैं। इसके अलावा ये खुद अलौकिक शक्तियाँ रखते हैं। उन्होंने कहा कि ये एंशियंट रिलीजन भविष्य में चारों तरफ फैल जाएगा। थियोसॉफी ने प्राचीन ग्रंथों के महत्व को अनुष्ठान और रीति रिवाजों की तुलना में ज़्यादा महत्व दिया। थियोसॉफी हिंदू धर्म के इस सिद्धांत को मानती है कि दुनिया जैसी हम इसे अनुभव करते हैं एक इल्यूजन या माया है। ब्लावात्स्की कहती हैं कि माया से सीमित जीवन अज्ञानी होता है। ब्लावात्स्की की शिक्षाओं के अनुसार उन्होंने 7 रूट रेसेस के विचार का समर्थन किया जिनमें हर एक को 7 उपजातियों में डिवाइड किया गया। ब्लावात्स्की के ब्रह्मांड निर्माण सिद्धांत के अनुसार पहला रूट रेस शुद्ध आत्मा से बनाया गया था और एक महादिव्य भूमि पर रहता था जिसे अविनाशी पवित्र भूमि कहा जाता है। दूसरा रूट रेस जिसे हाइपरबोरियंस कहा जाता है ये शुद्ध आत्मा से बना था और नॉर्थ पोल के पास एक भूमि पर रहता था। तीसरे रूट रेस ने लेमूरिया महाद्वीप पर निवास किया जिसे ब्लावात्स्की ने ऑस्ट्रेलिया और रापा नुई के रूप में जीवित बताया है। ब्लावात्स्की ने दावा किया कि चौथे दौर में हायर बीइंग्स ने ग्रह पर अवतार लिया, मानव शरीरों का विकास शुरू हुआ और लिंगों का विभाजन हुआ। इस बिंदु पर चौथा रूट रेस प्रकट हुआ जो अटलांटिस महाद्वीप पर निवास करता था। उनके पास भौतिक शरीर थे लेकिन साथ ही मानसिक शक्तियां और उन्नत तकनीक भी थी। उन्होंने कहा कि कुछ अटलांटियंस दैत्य थे जिन्होंने स्टोन हेंज जैसे प्राचीन स्मारक बनवाए लेकिन बाद में अटलांटियंस भ्रष्ट हो गए और अपनी शक्ति और ज्ञान का दुरुपयोग किया जिससे अटलांटिस समुद्र में डूब गया। हालांकि कई अटलांटियंस ने बचकर नए समाजों की स्थापना की जैसे कि मिस्र और अमेरिका में। पांचवा रूट रेस आर्यंस था जो दुनिया भर में उस समय पाया गया जब ब्लावात्स्की लिख रही थी। उन्होंने कहा कि पांचवी रेस को छठी रेस के जरिए बदल दिया जाएगा जिसकी शुरुआत मैत्रेय के आगमन से होगी। उन्होंने ये भी विश्वास किया कि मानवता अंततः अंतिम 7वें रूट रेस में विकसित हो जाएगी। इसके बाद उन्होंने कहा कि मानवता अपने विकास के चक्र के अंत तक पहुंच जाएगी और जीवन पृथ्वी से हटा लिया जाएगा। ब्लावात्स्की ने सिखाया कि लॉर्ड मैत्रेय पृथ्वी पर एक मसीहा के रूप में आएंगे। उनके इस विचार को एनी बेसेंट और C.W. लीडवीटर द्वारा एलोबोरेट किया गया। उन्होंने कहा कि मैत्रेय पहले पृथ्वी पर कृष्ण के रूप में अवतार ले चुके थे, बाद में मैत्रेय को क्राइस्ट के रूप में जाना गया। एनी बेसेंट और लीडवीटर ने यह भी कहा कि मैत्रेय फिर से पृथ्वी पर एक भारतीय लड़के जिद्दू कृष्णमूर्ति के माध्यम से प्रकट होंगे जिसे लीडवीटर ने 1909 में अद्यार के एक समुद्र तट पर खेलते हुए देखा था। कृष्णमूर्ति पर विश्वास का थियोसॉफी में परिचय एक मिलेनेरियन तत्व के रूप में पहचाना गया। हालांकि 1925 तक कृष्णमूर्ति ने थियोसॉफिकल सोसाइटी और कई थियोसॉफिस्टों की इस अपेक्षा से दूर जाना शुरू कर दिया था। 1929 में उन्होंने सार्वजनिक रूप से ऑर्डर ऑफ द स्टार को समाप्त कर दिया जिसे एक वैश्विक संगठन जो थियोसॉफिकल सोसाइटी के नेतृत्व द्वारा मैत्रेय के आगमन के लिए दुनिया को तैयार करने के लिए बनाया गया था। इसके बाद उन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी को पूरी तरह से छोड़ दिया, फिर भी सोसाइटी के सदस्यों के साथ फ्रेंडली नेचर बनाए रखा। वैसे इस इवेंट और जिद्दू कृष्णमूर्ति के बारे में जानने के लिए आप हमारा ये वीडियो भी देख सकते हैं। थियोसॉफी के अनुसार मानव जीवन का उद्देश्य आत्मा की आध्यात्मिक मुक्ति है। मानव को ईगो या मोनाड के रूप में बताया गया है और माना जाता है कि ये सोलर डाइटी से पैदा हुआ है और अंत में उसी के पास वापस लौटेगा। उन्होंने आत्मा की 3 हॉल स्टेट बताई हैं जिनमें से पहला हॉल ऑफ इग्नोरेंस अज्ञान का हॉल है। ये आत्मा की वो स्थिति है जब तक वो अपने हायर सेल्फ से यूनिटी की नीड को नहीं समझती। ज़्यादातर लोग इसी हॉल में अपना जीवन काट देते हैं। दूसरा हॉल ऑफ लर्निंग अध्ययन का हॉल है। इस हॉल में व्यक्ति मानव जीवन के दूसरे एस्पेक्ट्स को जानना शुरू करता है, आध्यात्मिक साधना करता है लेकिन साइकिक पावर्स में इंटरेस्ट की वजह से रुका रहता है।
तीसरा हॉल ऑफ विजडम ज्ञान का हॉल है। इस हॉल में हायर सेल्फ के साथ यूनिटी हो जाती है। इसके बाद ही ब्लिस का एक्सपीरियंस होता है। इस बिंदु के बाद मानव आत्मा एकत्व में विलीन हो सकती है। थियोसॉफी कर्म के अस्तित्व को मानती है, जो पुनर्जन्म के चक्र को कंट्रोल करता है। ब्लावात्स्की के शब्दों में कर्म और पुनर्जन्म अटूट रूप से जुड़े हुए हैं। हालांकि उन्होंने बताया कि कर्म हमेशा से पुनर्जन्म को नियंत्रित करने वाली प्रणाली नहीं थी। उनका मानना था कि ये उस समय उत्पन्न हुआ जब मानवों ने अहंकार विकसित किया, और एक दिन ये भी जरूरी नहीं रहेगा। 250 एकड़ की हरियाली में फैला हुआ अद्यार स्थित थियोसॉफी सोसाइटी का हेडक्वार्टर आज भी चेन्नई में मौजूद है, जहाँ 457 साल पुराना बनियान ट्री कई परिवर्तनों के गवाह के रूप में मौजूद है। इसकी लाइब्रेरी में पूरे वर्ल्ड से कलेक्ट की गई पाम लीप पर लिखी हुई 20,000 पांडुलिपियां मौजूद हैं। हेडक्वार्टर के अंदर हेलेना ब्लावात्स्की और हेनरी स्टील ऑलकॉट के स्मारक मौजूद हैं। ऑलकॉट ने जब अद्यार में एक गरीब बच्चे को देखा तो उससे पूछा, क्या तुम स्कूल जाते हो? बच्चे ने पैसे की कमी की वजह से स्कूल ना जाने की बात कही, जिस पर ऑलकॉट ने एक स्कूल खुलवा दिया जहां अभी भी बच्चे पढ़ते हैं। थियोसॉफी सोसाइटी ने लगभग हर धर्म में जो भी सार मौजूद है, जो भी इशारे सत्य की तरफ किए गए हैं, उन सब को शामिल किया है, और ये इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। बाकी धर्म ग्रंथों से कॉपी करने की बात ऐसी है कि हेलेना ब्लावात्स्की द सीक्रेट डॉक्ट्रिन में जो भी बता रही हैं, जिसके बारे में उन्हें एसेंडेड मास्टर्स से पता चला है, उसका ओरिजिन सत्य से ही है, जिसकी वजह से उनकी बातों में और ग्रंथों में एक सिमिलैरिटी है। और ज़्यादातर सभी धर्मों का ओरिजिन भी सत्य से ही है। धर्म का मुख्य उद्देश्य भी यही है कि एक बैलेंस्ड लाइफ जीते हुए सत्य को उपलब्ध हो जाने के लिए प्रयास किया जाए। सत्य ही वास्तव में धर्म है। इससे ऊपर ना तो कोई परंपरा है और ना ही कोई नियम। सत्य का पालन करने के लिए परंपराओं को बदला जा सकता है और नियमों को तोड़ा जा सकता है। ब्लावात्स्की ने भी यही किया है, और इसकी खूबसूरती द सीक्रेट डॉक्ट्रिन में बाखूबी झलकती है। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।